भगवान शिव का रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और ये भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। पर ब्रह्मा जी ये मानने को तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु जी को पता नहीं चला तो हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि हे नाथ, मृत्युलोक में इस तरह की आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वो आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांक्षित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वो उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है, अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। अब क्यों किया जाता है रुद्राभिषेक, ये भी जानते हैं। रुद्राष्टाध्याय के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। रुस्तम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। मित्रों, रुद्राभिषेक से क्या लाभ है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। शिवपुराण के अनुसार किसी द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सविस्तार विवरण शिवपुराण में प्रस्तुत है। जैसा कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि किस द्रव्य से कौन सा फल मिलता है हमें भगवान शिव का जो आप रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक मित्रों अंततः अनेकों पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से किया गया रुद्राभिषेक अलग अलग फल देने में सक्षम है। ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।